तो काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद आ चुके हैं गाइस हम लोग अपने इस खतरनाक वाले मिलिट्री बेस के अंदर। और लास्ट टाइम तुम लोगों ने देखा था गाइस, मैं एक सुपर मिलिट्री वालों ने मुझे एक टूर के लिए भेजा था और मुझे इन लोगों ने दिखाई थी सबमरीन, जो कि मैं देखने गया था। और भाई सबमरीन एकदम अलग ही लेवल की चीज होती है। उसके अंदर भाई पूरा का पूरा एक कैफे होता है, उसके अलावा एक स्लीपिंग चैम्बर होता है, उसके अलावा कपड़ों का वार्डरोब, कपड़े धोने का एक अलग एरिया होता है, भाई सब कुछ का अलग एरिया है। वहां पर एक छोटा सा जेल भी है, मिसाइल्स काफी सारे हैं, पूरा कंट्रोल रूम है। भाई बहुत ही यूनिक यूनिक चीजें थी वहां पर, और वो देखकर गाइस लिटरली में भाई मैं तो पूरी तरीके से चौंक गया था, लेकिन मजा आ गया था। और उसके बाद गाइस मैंने देखा था मिलिट्री वालों ने मुझे दिखाया था एक फाइटर बोट, मतलब तुम लोगों ने फाइटर जेट, फाइटर हेलीकॉप्टर, फाइटर टैंक ये सब देखा होगा, बट पहली बार गाइस मैंने देखी फाइटर बोट। और उसके अंदर भाई पीछे भी एक गन लगी थी और आगे की साइड डबल गन लगी थी, जो कि लिटरली में भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी और मजा ही आ गया था वो गन्स वगैरह देख के। बाकी आज देखो गाइस क्या हम लोगों को टास्क मिलता है। बाकी तो इस वक्त मैं एक सुपर सोल्जर हूं और देखते हैं अभी मिलिट्री वाले हम लोगों को क्या ही टास्क देते हैं। बाकी मुझे वहां पर किसी ऑफिसर ने अभी बुलाया तो था कुछ टास्क देने के लिए। चलते हैं गाइस देखते हैं क्या ही टास्क मिलने वाला है, पर जो भी टास्क मिले भाई मजा बहुत ही ज्यादा आने वाला है आज। तो चलते हैं यहाँ पर, यही जगह है शायद, हाँ 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 यहाँ पर बुलाया मुझे पीछे कि यार ये बड़ा मजा आता है, ये जो फाइटर जेट है इसको उड़ाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है यार। बाकी हाँ ये रे सर, सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। यस सर बोलिए। तो देखो फ्रैंकलिन क्लिंटन, आज तुम्हें एक बहुत ज्यादा डेडली टास्क दिया जा रहा है। अरे मेरे लिए डेडली कुछ नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है। अरे सर मेरे लिए मानो तो सही, मेरे लिए डेडली कुछ नहीं, मेरे सामने टेरिस ला दो भाई, कुछ भी ला दो, मैं किसी को भी पीट फाड़ दूंगा बढ़िया तरीके से। मुझे पता है तुमने आज तक काफी सारे टेरिस्टों को मारा है, लेकिन आज तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम्हें किसी को बिना मारे जिंदा पकड़ना है। क्या बिना मारे जिंदा? क्यों, किसको पकड़ना है? देखो आज मैं तुम्हें भेज रहा हूँ फॉरेस्ट ट्रेनिंग के लिए। फॉरेस्ट ट्रेनिंग ये कब से होने लग गया? हम तुम्हें एक स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिसर भी बनाना चाहते हैं। अरे वाह मजा आएगा यार। तो इसीलिए तुम्हें फॉरेस्ट की ट्रेनिंग लेनी होगी। हाँ तैयार है, कौन कौन से टास्क हैं? तो सबसे पहला तुम्हारा जंगल में ये टास्क होने वाला है कि तुम्हें उस जंगल के सबसे खूंखार माउंटेन लॉयन को पकड़ना है। अच्छा इसी की बात कर रहे थे क्या, जिसको जिंदा पकड़ना है? बिल्कुल इसी की बात कर रहा था मैं। माउंटेन लॉयन तो लॉयर शेर, वो तो काफी खतरनाक होता है, इसलिए तो ये टास्क काफी ज्यादा डेडली होने वाला है। लेकिन जिंदा कैसे पकड़ूंगा मैं? उसका भी इंतजाम है, तुम्हें एक ये स्टन गन दी जाएगी। ओ इससे क्या होगा? इससे तुम किसी भी चीज को, किसी भी मतलब इंसान को या जानवर को स्टन कर सकते हो। अच्छा तो मतलब मुझे उसे स्टन करके और उसे पिंजरे में कैद करना है? बिल्कुल। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फिर उसका क्या करोगे? कुछ नहीं, उसको फिर हम लोग जंगल के किसी और इलाके में छोड़ कर आ जाएंगे। ओ समझ गया समझ गया। और दूसरा टास्क क्या है सर? पहले फर्स्ट टास्क कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरा टास्क पता लग जाएगा। ठीक है चलो गाइस फटाफट से चलते हैं पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए। अरे रुको जरा, क्या हो गया सर? जंगल में जाने के लिए और वहां पर घूमने के लिए तुम्हारे लिए एक स्पेशल व्हीकल का भी इंतजाम किया गया है। स्पेशल व्हीकल मिल जाएगी तुम्हें उधर। अच्छा लेट्स गो गाइस, देखते हैं यार क्या स्पेशल व्हीकल है, मजा ही आ जाएगा। कोई बढ़िया से सुपर कार स्पोर्ट्स, लेकिन यार सुपर कार स्पोर्ट्स कार कहाँ जंगलों में चलेगी? नहीं नहीं शायद से कोई ऑफ रोडिंग व्हीकल देंगे मुझे ये लोग। कहाँ पर है यार मेरा स्पेशल व्हीकल, किधर है? चलो यार आज तो भाई अलग ही टास्क दे दिया मुझे। मुझे गाइस ये लोग स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिसर बनाना चाह रहे हैं, जिसमें मुझे अब जंगल के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे पहला टास्क हमारा यही है गाइस कि हम लोगों को एक खूंखार माउंटेन लॉयन को पकड़ना है। बाकी ओ ये वाली गाड़ी दी गई हम लोगों को? हाँ ये तो जीप है यार, ये तो मस्त चलेगी जंगलों के अंदर। ओ भाई बढ़िया फील आएगा यार जंगलों में इस गाड़ी को ले जाने का। लेट्स गो यार फटाफट से निकलते हैं आगे से। ओके खोल दो भाई, ये कभी भी खुलता? ओ खुल गया, ये तो चमत्कार हो गया यार। चलो गाइज अभी फटाफट से निकलते हैं हम लोग जंगल की तरफ। वैसे जंगल तुम लोगों मैं बता दूं गाइज माउंट चिलियाड की तरफ है और उसके अलावा कहीं और भी है। तो माउंट चिलियाड के जंगलों की तरफ से हम लोगों को उस माउंटेन लॉयन को पकड़ना है, और उसके बाद कहीं दूसरे वाले जंगल में ये लोग खुद छोड़ के आएंगे, उसको छोड़ने वाला काम हम लोगों को नहीं करना है शायद। बाकी अभी तो चलते हैं फटाफट से और पकड़ते हैं माउंटेन लॉयन को, देखते हैं भाई कौन सा माउंटेन लॉयन खतरनाक बन रहा है भाई। कोई सा भी लॉयन हो, कोई सा भी जानवर हो भाई, किसी को नहीं छोड़ते हम लोग। बट हाँ उसको मारना नहीं है यार,
उसको बस हम लोगों को बस स्टन करना है और उसको फिर पिंजरे में कैद करना है। पिंजरा शायद होगा अपनी गाड़ी के अंदर ही। तो चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे जंगलों की तरफ। नाइस, पहुंच गया हूं मैं माउंट चिलियाड की तरफ। और ये देखो भाई माउंट चिलियाड क्या ही मस्त लग रहा है यार, क्या ही अलग ही व्यू आता है। तो यहीं पर गाइज ये देखो जंगल है ये सारे के सारे, इधर पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल। तो इधर ही गाइज मुझे पकड़ना है माउंटेन लॉयन गोर। ये पुलिस की पेट्रोलिंग वाली टीम यहाँ पर क्या कर रही है, चोर वोर को पकड़ रही है क्या? वेट, ओहो वहाँ पर चोर है। तो लेट्स गो, हमारे पास मौका है गाइज, हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग मिलिट्री के बंदे हैं। वो रहा चोर, गया। देखा भाई, साबित कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से। ऐसे भाई पक्के निशाने लगते हैं हमारे, और निशाने लगाने में तो मैं माहिर हूँ ही। बस यही चीज गाइज, यही स्किल मुझे आज यहाँ पर दिखानी है। लेट्स गो माउंटेन लॉयन। ओ वेट, ये है क्या? यही तो है माउंटेन लॉयन। ये तो मेरे से डर के भाग गया यार। ये क्या ही माउंटेन लॉयन है, क्या ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होगा ये। लिटरली मैं माउंटेन लॉयन भाई मुझसे डर के भाग गया। और बताओ यार मिलिट्री वाले क्या क्या कह रहे थे इसके बारे में। वेट, अरे मैं इधर क्यों, मेरे को उसे पकड़ना है। कहाँ गया वो? वो तो भाग गया। अबे यार के बारे में बात करने के चक्कर में वो तो निकल लिया यहाँ से। अरे यार ये माउंटेन लॉयन भी बहुत नालायक था। ये क्या है, ये भी माउंटेन, ये तो खरगोश है यार। ओके फटाफट से उस साइड चलते हैं। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, अब चलते हैं गाइस फटाफट से। इधर ही भागा था वो माउंटेन लायन, पता नहीं अब कहाँ गया होगा वो, या फिर वो माउंटेन लायन नहीं था, क्योंकि अगर माउंटेन लायन होता तो भाई मेरे ऊपर अटैक करता यार, भागता थोड़ी ना मुझसे बच के। नहीं नहीं कुछ और ही होगा वो। खैर जो भी हो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से जंगलों की तरफ। और हमारा मेन टास्क है गाइस बस उसको ढूंढना, बाकी हिरन है यार यहाँ पर काफी सारे। नाइस यार, अच्छे खासे जंगली जानवर हैं यहाँ पर तो। ओ पेड़ों को कौन काट रहे हैं यहाँ से, पेड़ गया वो रखे हैं यहाँ के तो। जंगल में गाइस जंगल का सफाया चल रहा है, कोई ना कोई पेड़ों को यहाँ से काटे जा रहा है। कोई बात नहीं, वो टेंशन बाद में लेंगे, अभी तो फिलहाल हम लोगों को पकड़ना है गाइस माउंटेन लॉयन को। वो क्या मस्त चल रहा है यार ये व्हीकल लिटरली में। ये देखो भाई कितने इधर बड़े बड़े पत्थर है, सबको इजिली क्रश कर सकते हैं हम लोग। भाई साहब लिटरली में क्या क्रश कर रहे हैं हम लोग सारे के सारे बड़े से बड़े पत्थर को। ओ नाइस यार नाइस। ये देखो भाई ये देखो कितना बड़ा पत्थर है, और ये जीप के पैरों के नीचे आते ही क्रश्ड। बाकी ये सब छोड़ो यार, हम लोग फटाफट से माउंटेन लॉयन को ढूंढते हैं। शायद थोड़ा अंधेरा होने पे आए वापस, पहले टास्क में इतना टाइम लगेगा तो बाकी टास्क कैसे कंप्लीट करूंगा मैं। बाकी हाँ गाइस शाम हो चुकी है, अब शायद माउंटेन लायन हमें किसी भी वक्त नजर आ सकता है। परेशान करके रख दिया इस माउंटेन लायन के बच्चे ने, तो मिल ही नहीं रहा भाई कहीं भी। अरे अरे ये कहाँ जीप जा रही है अपनी, यहाँ पर लगाते हैं साइड में और चलते हैं गाइस इस माउंटेन लायन के बच्चों को ढूंढने के लिए। ये रही अपनी गन, कहाँ गई मेरी स्टन गन, हाँ ये रही स्टन गन। अरे कहाँ पर है माउंटेन लायन, कब से भटक रहा हूँ इसकी खोज में मैं, मुझे नहीं मिल रहा भाई ये जीप मेरी, वहाँ पे मैंने छोड़ दी है। थोड़ा इधर चलते हैं। हेलो, अरे आ जा भाई, ओ गोली चला दो, क्या पता गोली की आवाज़ सुन के यहाँ पर आ जाए। या फायर, माउंटेन लायन कहाँ पर है यार, कोई नजर नहीं आ रहा। ओ वेट, ओ सामने ही है, उतरी उतरी, ओ ओ भाई, ओ ओ तेरी, ओ पीछे ही आ गया, ओ तेरी कितना फास्ट है ये, ओ मेरी मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, कहाँ छोड़ के आ गया मैं मेरी गाड़ी को। ओ लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बैठ जा जल्दी जल्दी। अरे ओ ओ इधर पीछे, अरे मेरी गाड़ी के पास ही पहुंच गई है तो। अरे मैं कैसे जाऊं अपनी गाड़ी में, हाँ क्या, ओ तेरी ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, कहाँ पर जाऊं। वेट वेट, ओके ओके ओके, आ किधर जाऊं मैं। ओ भाई ये क्या है, पार्कोरी कर रहा है ये माउंटेन लायन तो। ओ भागो भाई यहाँ से, बट वेट मैं भाग क्यों रहा हूँ, अरे मेरे को तो इसको पकड़ना है यार, स्टन करना है। आ जाओ बेटा आ जाओ, इसको कहीं खुली सी जगह पर ले जाके स्टन करते हैं, रुक जाओ गाइस ताकि पिंजरे में बंद करने में दिक्कत ना हो। आ जाओ बेटे आ जाओ, क्या करेगा तू। अबे माउंटेन लायन निकाली अपनी स्टन गन, रेडी। अरे मेरी स्टन गन कहाँ गई, रेडी। अरे भाई कुछ हुआ भी नहीं इसके, अरे कैसी स्टन गन है, या मेरा निशाना चूक गया, आई थिंक मेरा निशाना चूक रहा है गाइस। उतरी 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 उतरी, पीछे ही आ रहा पीछे ही आ रहा है। अरे ओ ओ ये बस मेरा पीछा कर रहा है यार बहुत ही बुरी तरीके से, अभी तक एक भी बार अटैक नहीं किया इसने। बढ़िया माउंटेन लायन भाई तू। ओके 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 ओके, अरे यार अब लेट्स गो फायर फायर। अरे यार लगी नहीं रहे निशाने, भाग जाता है ये हर बार, कैसे लगाऊं मैं इसके ऊपर निशाना। लेट्स गो इस बार, ओ कम ऑन इस बार कुछ हुआ है कुछ हुआ है, स्टन हो गया गाइस। ओ वेट, ओ फिर उठ गया, स्टन स्टन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत ही बढ़िया, हो जा स्टन स्टन हो जा भाई, बहुत ही बढ़िया, ज्यादा ज्यादा उछल मत। ओके एक बार और,
अरे ये तो वापस से उठ गया यार, हो जाना स्टन, मान ही नहीं रहा भाई ये तो। अरे बार बार उठ जा रहा है बिल्कुल ये तो। ओके आई थिंक गाइस, नाइस 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 नाइस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, स्टन हो गया। हेलो 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 लॉयन, ओके हो गया स्टन। अब फटाफट से गाइस जो इसके लिए केज लाए थे उसे निकालते हैं और इसे लेकर चलते हैं। भाई साहब कितना मुश्किल था इसे स्टन करना, निशाना ही नहीं लग रहा था। ओके गाइस, जो स्टन का असर था मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, बट जो भी हो मैंने फाइनली इसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है। अब डर मुझे ये लग रहा है कि इस पिंजरे को मैं अपनी गाड़ी पर रख भी पाऊंगा या फिर नहीं। आई थिंक मैं रख सकता हूँ गाइस, लेट्स गो। पीछे जगह तो है बट उसमें भाई इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो नहीं, इतना भी कमजोर पिंजरा तो नहीं है। बाकी एक लॉयन को कैप्चर कर लिया गाइस हम लोगों ने, माउंटेन लॉयन, नॉर्मल लॉयन जैसे इसलिए नहीं है क्योंकि ये माउंटेन लॉयन है। और क्या ही मस्त, ओ पूंछ निकल रही है इसकी पिंजरे से बाहर। ओके कोई नहीं, फटाफट से गाइस इस पिंजरे को उठाते हैं, गाड़ी के ऊपर इधर बांध देता हूँ ना मैं पीछे की साइड, हाँ ये ठीक रहेगा। तो गाइस इस पिंजरे को मैंने बांध दिया अपनी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से से एकदम बढ़िया तरीके से। और शेर भाई तू टेंशन मत ले, थोड़ी ही देर में तुझे छोड़ दिया जाएगा दूसरे किसी जंगल में, तुम लोग भी टेंशन मत लो गाइस, इस शेर का कुछ नहीं होगा, बढ़िया तरीके से हम लोग जंगल में, वैसे मैं क्यों छोड़ के आऊंगा, मिलिट्री वाले जंगल में छोड़ के आएंगे। बाकी अब देखते हैं गाइस कॉल आता है उनका सेकंड टास्क के लिए। ओ लो कॉल की बात कर रहा था, कॉल आ भी गया। सामने क्या है, हिरन है क्या? हाँ हाँ हिरन है, मैं कह रहा हूँ एक और माउंटेन लायन। अरे चिल्ला मत भाई तू प्लीज, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बोल रहा है यार माउंटेन लायन का बच्चा। भाई शांत हो जा शांत हो जा, कुछ नहीं। अरे भाई चुप हो जा दो मिनट। हेलो सर, मुझे लगता है तुमने अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर ही लिया होगा अब तक तो। हाँ सर कर लिया है। अब तुम्हारा सेकंड टास्क ये है कि तुम्हें जो टनल दिख रही है उसको ब्लॉक करना होगा। टनल को क्यों ब्लॉक करना है सर? क्योंकि उस टनल के अंदर कुछ हमारा सीक्रेट काम चल रहा है और काफी सारे साइकिलिंग वाले लोग आते हैं और उस टनल के अंदर चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है सर, समझ गया समझ गया, दोनों तरफ से बंद कर दूंगा मैं। ओके ओए साइकिलिंग वाले, ओए 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 कहां जा रहा है तू? ए साइकिलिंग ना करूंगा मैं। अरे भाई यहां यहां रास्ता बंद है। ऐसे कैसे बंद है, दिख तो रहा है खुला हुआ। तू चला जा रहा, मैं तुझे कह रहा हूँ मान जा। अरे भाई अलग ही बंदा है ये तो, कैसे जिद्दी लोग है यार। अबे तेरे को इधर जाना जरूरी है। लो बेहोश हो गया, खुद साइकिल उछाल के इसका सर लग गया दीवार में, बेहोश हो गया। ओए लौंडे उठ, इधर नहीं जाना बे। अरे ये तो पागल ही है क्या? अरे बेहोश हो गया क्या बिल्कुल ही? अरे बेहोश हो गया तो हो गया, इसकी साइकिल लो और इसको बाहर छोड़ के आता हूँ मैं। और भाई क्या साइकिल है यार इसकी, क्या स्पीड है साइकिल की, नाइस। अब इस साइकिल को यहाँ छोड़ते हैं, उसको भी टांग के इधर रख के चले जाते हैं। तो फर्स्ट टास्क तो गाइस था हमारा इस माउंटेन लायन को पकड़ना, सेकंड टास्क है ये जो लंबी सी टनल दिख रही है इसको दोनों साइड से ब्लॉक करना है। तो एक काम करते हो, पहले इस साइड से ब्लॉक करते हो फिर दूसरी साइड से करेंगे। लेट्स गो फुल स्पीड अपनी जीप की। ओह थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो यहाँ पर ब्लॉक करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ? वुड, यस पेड़ काटना पड़ेगा, लेकिन मैं काटूंगा भी कैसे? नहीं नहीं पेड़ काटने का तो सामान आई थिंक होगा ही अपनी जीप में। ये देखो गाइस ये रही कुल्हाड़ी और साथ में हथौड़ा वगैरह भी है। हाँ इसमें आई थिंक पेड़ तो कट जाएगा, इधर की साइड गाड़ी के साइड में देख सकते हो यार कुल्हाड़ी है मस्त वाली। तो एक पेड़ काटते हैं और इसको ब्लॉक करते हैं, पेड़ तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको ब्लॉक करने का। हाँ एक और काम कर सकता हूँ मैं, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर काट काट के नीचे गिरा सकता हूँ ऊपर की साइड, देख रहे हो तुम लोग, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होगा, पता चला हमेशा के लिए टनल ब्लॉक हो गई, इसलिए वुड ही ठीक है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है यार, मैं ये हरे भरे पेड़ क्यों काटूँ, इधर की साइड थोड़े सूखे पेड़ है उनको ही काट देते, वैसे भी वो किसी काम के नहीं है और उससे रास्ता बढ़िया ब्लॉक भी हो जाएगा। बट उससे पहले गाइस मुझे अपनी गाड़ी को अंदर लेना पड़ेगा टनल के, क्योंकि मुझे अंदर की साइड से इस रास्ते को ब्लॉक करना पड़ेगा तभी तो मैं निकल पाऊंगा यहाँ से। तो इधर की साइड से मैं ब्लॉक करूंगा वुड से, लेट्स डू दिस। नाइस बढ़िया लग रहा है यार, एकदम मस्त तरीके से ब्लॉक हो चुका है, कोई जा भी नहीं सकता इधर से, पैदल तो खैर जा ही सकता है। अरे पैदल के लिए भी ब्लॉक करना था यार मुझे, रुको यार एक सेकेंड, इसको थोड़ा और लकड़ी वकड़ी लगा के बढ़िया तरीके से ब्लॉक करना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता यार कोई पैदल आएगा यहाँ पर, सब साइकिल से ही आते हैं, बट यहाँ के लोग बहुत चला के भाई साइकिल भी ले जाएंगे इधर से। लेकिन हाँ उधर की साइड में बढ़िया ब्लॉक कर दूंगा, इधर की क्या जरूरत है। चलो भाई लॉयन भाई बढ़िया है तू, अरे कुछ बोल नहीं रहा, अब शांत हो गया गाइस, चिल्लाते चिल्लाते ये भी, इसे भी पता है चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। चलो यार फटाफट से उस साइड से ब्लॉक करते हैं वुड से, लेट्स गो बढ़िया तरीके से ब्लॉक करना है भाई इधर से भी। चलो वो लड़का गया क्या वो साइकिल वाला? हाँ उसकी साइकिल मैंने यहीं फेंकी थी यार, लगता है गया, हाँ गया वो।
चलो यहाँ के लिए भी लकड़ी ले आते हैं। ये देखो गाइस, ऐसी ऐसी लकड़ियाँ लाया हूँ मैं, देख रहे हो सामने की तरफ। अब ये सूखा पेड़ है, अब ये किसी भी काम का नहीं है। तो हरे भरे पेड़ काटने से बढ़िया मस्त सूखे वाले पेड़ काटो और ब्लॉक कर दे रास्तों को। मुझे नहीं लगता गाइस इसमें कोई भी जा सकता है। उधर तो भले थोड़ा बहुत गैप छूट गया है, बट इसमें से नीचे थोड़ा करना पड़ेगा इस वुड को। नीचे से कोई जा सकता है फिसल के? हाँ अब ठीक है, लेट्स गो। नीचे से भी कोई नहीं जा सकता, इधर साइड में से भी कोई जगह नहीं है भाई। ऊपर से आंख वांग में और लग जाएगी इधर से कोई जाने की ट्राई करेगा तो। और इसके अलावा गाइस इधर से कोई चढ़ के ट्राई करे तो भाई जाने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो सेकंड टास्क था स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर, वो भी मैंने कम्प्लीट कर दिया है। और फर्स्ट टास्क तो मैंने बहुत पहले ही कम्प्लीट कर दिया था। अब वेट करते गाइस कोई थर्ड टास्क मिलता है हमें या फिर नहीं। हेलो सर, कोई थर्ड टास्क? हाँ, तुम्हारा थर्ड टास्क यही है कि तुमने जो माउंटेन लॉयन पकड़ा है उसे किसी दूसरे जंगल में छोड़ कर आओ। अच्छा, मुझे छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, जल्दी जाओ और जैसी छोड़ोगे माउंटेन लॉयन वहाँ से भाग जाना। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, रखता हूँ फोन में। तो गाइस देखो, अब ये साइकिल वाला बंदा कोई दूसरा है। अभी देखो भाई जा रहा है, इस टनल से जाने की ट्राई करेगा, बट सामने तो भाई रास्ता ब्लॉक है। अब तू किधर से जाएगा भाई? जा जाके दिखा। ए, इधर मुड़ गया, इधर से भी रास्ता है क्या? वेट व्हाट, इधर से भी रास्ता है क्या? लेकिन भाई मेरा तो मेन टास्क यही था, बस मुझे टनल का रास्ता ब्लॉक करना था। कोई किधर से भी जाए हमें क्या मतलब, बस टनल में नहीं जाना चाहिए। अब टनल में कोई जा नहीं पाएगा तो हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट है। अब चलते हैं गाइस थर्ड टास्क कंप्लीट करें, जो कि हमें इस माउंटेन लॉयन को किसी दूसरे जंगल में छोड़ कर आना है। तो मैं एक ऐसे जंगल में जाता हूँ जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, कोई भी ट्रैकिंग करने ना आए, जो कोई भी माउंटेन क्लाइंबिंग करने ना आए, उस जगह पर मैं इसे छोड़ कर आता हूँ। आई थिंक वहीं इसके लिए भी सेफ है और लॉस एंडोस के लोगों के लिए भी सेफ है। अरे चिल्ला मत भाई, शांत हो जा, छोड़ के आऊंगा तुझे मैं, टेंशन मत ले। इधर आई थिंक गाइस इसका दूर दूर तक किसी से कोई नाता नहीं होना चाहिए लॉस सैंटोस के लोगों से। इधर कोई आता भी नहीं होगा यार ट्रैकिंग करने के लिए, बहुत खतरनाक जगह है ये। तो इधर ही मैं छोड़ देता हूँ इस माउंटेन लायन को किसी ढंग की जगह पर। ओके ओके भाई, अगर ये जीप ना होती तो मैं कैसे चलाता यार इन पहाड़ों के ऊपर गाड़ियाँ, रात होने वाली है ऑलमोस्ट। ओके आई थिंक गाइस ये वाली जगह ठीक है, यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देते हैं। चल भाई आ गई है बारी तेरी अब जाने की, फटाफट से पिंजरे को ओपन करते हैं, टॉर्च निकाल लेता हूँ मैं। लेट्स गो, ये रही मेरी टॉर्च, ये रहा माउंटेन लॉयन। डर लग रहा भाई लिटरली में काफी। कोई बात नहीं, निकालते हैं इसे। गया गया, ओ ओ गया, ओ गया 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 गाइस गया। नाइस नाइस, हमने काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली ये टास्क कंप्लीट कर दिया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से कैप्चर भी किया और काफ़ी अच्छी तरीके से दूसरी जगह पर हम लोगों ने इसे रिलीज़ भी कर दिया है और वहाँ जाके रुक गया है। छोड़ो भाई, अभी फटाफट से अपनी जीप में बैठते हैं और निकलते हैं गाइज यहाँ से लॉस सैंटोस के लिए। बट वेट 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 वेट, ये पिंजरा तो रह गया। चलो भाई पिंजरे को भी रख लिया। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई मैंने पिंजरा कहाँ पे रखा, उसे फोल्ड करके रख लिया, फोल्डिंग वाला पिंजरा है ये। कहाँ गया वो शेर, पता नहीं कहाँ टिक गया वो। ओ रहा वो रहा, कुछ दिख रहा है क्या उसे? किसी चीज का शिकार कर रहा है वो भाई, यहाँ से निकल लेते हैं, कहीं हमारा ही ना करते, वैसे भी बहुत भूखा है वो शाम से ही। चलो फटाफट से निकलते हैं अब यहाँ से। चलो गाइस हमने फाइनली अपने तीनों टास्क कंप्लीट कर दिए हैं और हम लोग स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिसर भी अब ऑलमोस्ट क्या बन भी गए हैं। और ये क्या स्टंट कर रहा हूँ मैं, ये करने की कोई जरूरत नहीं थी भाई। ओके आराम से भाई, मिलिट्री वालों की गाड़ियाँ कुछ भी कहो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। वैसे मैं ये मिलिट्री वालों की क्यों कह रहा हूँ भाई, हमारी गाड़ी है, क्योंकि मैं भी तो एक मिलिट्री का बंदा हो चुका हूँ अब, मैं भी तो एक स्पेशल सोल्जर हूँ। चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं। वैसे यहाँ पर भी लोग आ जा रहे हैं यार, कहीं नॉर्मल जगह तो नहीं है ये? नहीं नहीं भाई, कोई नहीं आता जाता उधर की साइड, तो सही जगह पर मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। अभी फटाफट से निकलते हैं। ओए भाई कैसे मोड़ रहा है ट्रक वाले, ट्रक वाले से याद आया बहुत प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक पीने तो भाई मुझे यहाँ पर। लेट्स गो, थका दिया तो इस शेर ने। सबसे ज्यादा दिक्कत गाइस तब हुई थी जब इस पे मुझे उस स्टन गन का यूज करना था भाई, निशाना ही नहीं लग रहा था। बताओ यार मेरे निशाने कितने परफेक्ट होते हैं, बट बताओ निशाना ही नहीं लग रहा था। बट जो भी हो गाइस, सही से मैंने निशाना लगाया, उसको स्टन किया, उसको पकड़ा, पिंजरे में कैद किया। और पिंजरे में कैद होकर भाई बहुत चिल्ला रहा था वो, बट जो भी हो पिंजरे में कैद किया, उसको बचाया और उसको छोड़ के आ गए दूसरे जंगल में। अभी निकलते हैं सीधे मिलिट्री बेस। लेट्स गो फाइनली। तो मैं अब एक स्पेशल सोल्जर के साथ साथ हूँ एक स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिसर और ये मैं आ चुका हूँ मिलिट्री बेस। भाई मिलिट्री बेस रात को क्या ही ओपी चमकता है यार। और ये क्या मैं कर क्या रहा हूँ इस जीप से भाई? मैं तो ट्रेन हो लिया, साथ में जीप को भी मैंने बहुत बढ़िया ट्रेन किया है। ऐसे ही किसी भी क्लिफ से, किसी भी माउंटेन से ऐसी जंप लगा रहा हूँ मैं मजे में। और जो भी हो गाइस, अगर तुम लोगों को आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओए ये जीप की पार्किंग नहीं है। तो कहाँ है जीप की पार्किंग?
पीछे ही थी। गाइस वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी कमेंट में जरूर बताना गाइस हम लोगों को मिलिट्री का एक स्पेशल सोल्जर बनने के बाद अब और क्या क्या करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।